Hello students, today we'll read second chapter of Beehive, The Sound of Music. The chapter is lengthy, so we'll read the whole chapter in 4 parts and in today's video I'll explain first 5 points of part 1. First part is related to Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. In first part there is a character Evelyn Glennie who is a girl. Evelyn Glennie is deaf. Evelyn Glennie, जो है वो कम्प्लीटली डेफ है बहरी है वो सुन नहीं सकती है listens to sound without hearing it, लेकिन वो जो भी आवाज होती है, जो भी भी आवाज़ होती है, है, होता उसको बिना सुने ही सुनती है मतलब उसको आवाज को फील करती है सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग कि भगवान ने उसकी uh, जो हियरिंग कैपेसिटी है hearing power है, सुनने की जो शक्ति है उसको छीन लिया हो बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकिन भगवान ने उसे कुछ स्पेशल उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरों की बजाय दिया है वट वी फील्स जो भी हम सुनते हैं वो उसी सुनने की पावर को वो सुन तो नहीं सकती लेकिन वो उसे फील करती है फार मोर डीपली और उतनी गहराई से उसको फील करती है जितना कि हम जितनी गहराई से हम सुनकर भी बात को नहीं समझ सकते उतनी गहराई से वो समझती है फील करती है देट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली इसलिए यही एक कारण है कि वो म्यूजिक को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फोट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी कि अब ये जो हम स्टोरी है एक पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जो कि लड़ी अपनी फिजिकल डिसबिलिटी से जो उसकी शारीरिक अपंगता थी जो उसका हैंडी होना था कि वो सुन नहीं सकती थी उसके होते हुए भी उसने किस तरीके से अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाया अपनी लाइफ को एक सफल कहानी बनाया रश आर क्राउड्स जो सल फॉर पोजिशन रश आर मींस जो टाइम था जो समय था वो पूरा भीड़ वाला था रश आर क्राउड्स पूरी भीड़ थी जो फॉर पोजिशन लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे अपनी जगह बनाने के लिए ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म उस ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जो कि अंडरग्राउंड थी अ स्लाइट गर्ल स्लाइड मीन्स लिटल और स्किनी बहुत पतली दुबली सी लड़की लुकिंग यंगर देन हर सेवेंटीन ईयर्स उसकी एज सेवेंटीन ईयर्स थी वो सत्रह साल की थी पर फिर भी अपनी एज से वो छोटी लग रही थी नर्वस येट एक्साइटेड वो नर्वस थी घबराई हुई थी पर फिर भी वो एक्साइटेड थी उत्तेजित थी एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन जैसे ही उसने आने वाली आगे बढ़ती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस को फील किया महसूस किया इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन लंडन में जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक थी जहां वो म्यूजिक सीखती थी वहां उसका पहला दिन था एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीन एजर फ्रेश फ्रॉमा स्कॉटिश फार्म स्कॉटिश मीन्स रिलेटेड टू स्कॉटलैंड और इट्स पीपल जो स्कॉटलैंड में रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए स्कॉटिश वर्ड यूज किया गया है और फार्म मींस जो खेत स्कॉटिश पीपल पर्सन थी वो स्कॉटलैंड के छोटे से फार्म से आई हुई थी एक टीनेजर थी छोटी बच्ची थी और वो घबराई हुई थी बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन लेकिन एक अच्छा म्यूजिशियन एक काबिल म्यूजिशियन बनने की इच्छा में फेस्ड अ बिगर चैलेंज उसने बहुत बड़ा जो चैलेंज थे चुनौतियां थी उनको फेस किया उनका मुकाबला किया देन मोस्ट की बजाय उसने ज्यादा चुनौतियों का मुकाबला किया अपने सपने को पूरा करने के लिए शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ वो पूरी तरह से बहरी थी Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. एवलिन ग्लेनिका जो सुनने की पावर जो सुनने की क्षमता थी उसकी जो हो रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी हर मदर नोटिसिंग समथिंग रॉन्ग उसकी मदर याद करती हैं कि वो नोटिस कर रही थी कि कुछ गलत हो रहा था वेन द एट ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो जब आठ साल की एवलिन वेट कर रही थी पियानो बजाने का कि उसकी टर्न आएगी पियानो बजाने की तो ये जो इंसिडेंट है जो उसकी मदर बता रही हैं ये तब का है जब एवलिन एट ईयर्स की थी एंड नाउ शी इज ऑफ सेवनटीन ईयर्स दे कोल्ड हर नेम एंड शी डिंट मूव उन्होंने एवलिन का नाम लिया लेकिन एवलिन वहां से नहीं हिली आई सडनली रियलाइज आई मीन्स एवलिन की मदर सडनली रियलाइज शी हेड एंड हर्ड की मैंने एकदम से एहसास किया मैंने समझा कि उसने सुना नहीं है से आइसबल ग्लैनी आइसबल ग्लेनी उसकी मदर का नाम है एवलिन का और ये बात कौन कहती है आइसबलग ग्लेनी एवलिन की मदर कहती है फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स कुछ समय तक तो एवलिन जो थी वो कामयाब रही जो उसका बहरापन बढ़ता जा रहा था जो उसकी डेफनेस थी वो बढ़ती जा रही थी उसको कंसील करने में कंसील मीन्स टू हाइड छुपाने में वो छुपाना उसको मैनेज कर रही थी किन से अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से बट बाय द टाइम शी वॉज इलेवन हर मार्क्स है कि जैसे ही वो टाइम बीतता गया वो ग्यारह साल की हुई तो उसके जो मार्क्स थे उसके जो निशान थे कि अब वो उसके जो सिम्टम्स थे कि उसको चीजें सुनाई नहीं दे रही थी वो और ज्यादा बढ़ने लगे वर्स होने लगे और बदतर होने लगे एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट और उसके स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने उसके पेरेंट्स को सजेस्ट किया समझाया कि उसे ए, उन्हें जो है एवलिन को एक स्पेशलिस्ट के पास जो कि ट्रीटमेंट कर सके उसकी हियरिंग प्रॉब्लम का उनके पास लेकर जाना चाहिए उनसे कंसल्ट करना चाहिए इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो वहां से जब स्पेशलिस्ट के पास लेकर लेकर जाया गया एवलिन को तो वहां से पता चला कि उसकी जो सुनने की पावर है जो सुनने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और वो किस वजह से खत्म हुई थी नर्व डैमेज की वजह से नर्व डैमेज होने की वजह से उसकी सुनने की पावर जो थी वो खत्म हो गई थी दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फITTED विद हियरिंग एड्स जो स्पेशलिस्ट था उन्होंने एडवाइस किया उसके पेरेंट्स को एवलिन के पेरेंट्स को कि एवलिन के इयर्स में हमें हियरिंग एड एक मशीन लगानी होगी जिससे की वो सुन सके एंड सेंड टू अब फॉर द डेफ और उसे डेफ जो चिल्ड्रन जहाँ पढ़ते हैं उस स्कूल में भेजा जाना चाहिए एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन सब कुछ एकदम से धुंधला पड़ गया चीजे काली दिखाई देने लगी ऐसा एवलिन कहती है बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप लेकिन एवलिन जो थी वो बहरे होने के बावजूद भी हार मानने वाली नहीं थी टू गिव अपना की अपना जो ड्रीम है उससे पीछे हट जाना शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ उसने डिटरमाइन उसने ठान रखा था उसने सोच रखा था निश्चय कर रखा था की वो भी एक नॉर्मल बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक और बढ़ाएगी जो उसका म्यूजिक है और जो उसका इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको परस्यू करेगी उसको और आगे बढ़ाएगी वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू कि एक दिन उसने जाइलोफोन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसने देखा कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही थी और तभी उसने सोचा कि वो भी ऐसा करेगी वो भी उसको बजाएगी मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर जब एवलिन ने ऐसा सोचा कि वो भी ज़ैलोफ़ोन बजाएगी तो उसके जो टीचर्स थे बहुत सारे जो टीचर्स थे उन्होंने उसे डिस्करेज किया कि वो ऐसा नहीं कर सकती बट परक्यूशनिस्ट रन फॉब स्पॉटेड हर पोटेंशियल परक्यूशनिस्ट अ इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द पर्सन हु प्लेज इट इज नोन एज परक्यूशनिस्ट तो परक्यूशनिस्ट जो तबला वादक थे उनका नाम रॉन फॉर्ब्स था उन्होंने उसके पोटेंशियल को उसके कैलिबर को समझा ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स उन्होंने दो बड़े ड्रम्स को बजाना शुरू किया अलग अलग नोट्स पर, पर अलग अलग धुन पर डोंट लिसन थ्रू योर ही वुड से और जो परक्यूशनिस्ट था रॉन फॉब्स जो थे उन्होंने उसको कहा कि अपने कानों से मत सुनो ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे बल्कि किसी और तरीके से इसको समझने की इसको फील करने की Uh, कोशिश करो जो मैं ये डिफरेंट नोट्स प्ले कर रहा हूँ सेज एवलिन एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप कि जो हायर ड्रम था हायर नोट्स जो बज रहे थे ड्रम पर वो मैं अपनी बॉडी के अंदर वेस्ट अप अपनी कमर से ऊपर वाले हिस्से में फील कर सकती थी एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन और जो लोअर बीट थी जो लोअर धुने थी उनको मैं अपनी बॉडी अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से में फील कर सकती थी फोब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज जो फोब्स थे उसके टीचर थे उन्होंने इन एक्सरसाइज को दोहराया रिपीट किया जल्दी ही एवलिन ने पाया की जो डिफरेंट नोट है उनको वो अपने शरीर के अलग अलग अंगों में फील कर सकती थी आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन मैं अपने दिमाग और अपनी बॉडी को डिफरेंट साउंड्स के लिए और जो डिफरेंट वाइब्रेशंस थी तरंगे थी उनके लिए खोलना सीख गई थी द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड वर्क शेयर मीन्स नथिंग अदर देन कि बाकी जो था वो उसके डिटर्मिनेशन पे उसके दृढ़ संकल्प पे और उसकी मेहनत पे निर्भर करता था कि अब वो कितना और म्यूजिक के लिए अपना डिटर्मिनेशन अपना जो हार्डवर्क है वो दिखाएगी She never looked back from that point onwards. उस समय के बाद से कभी भी एवलिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was सिक्सटीन उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा मीज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो लोग इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनके ग्रुप को ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है तो उसने के ग्रुप के साथ वो टूर पे गई यूनाइटेड किंगडम के और उस टाइम वो सोलह साल की थी शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ उसने सोच लिया था की वो म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाएगी शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में के लिए अपना ऑडिशन दिया और जो उस एकेडमी का रिकॉर्ड था हाईएस्ट मार्क्स का उससे भी ज्यादा अच्छे नंबर उसने स्कोर किए उस रिकॉर्ड को भी उसने तोड़ दिया शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज अब उसने ग्रुप में परफॉर्मेंस दिखाने की जगह सोलो परफॉर्मेंसेज उसने शुरू करती थी अकेले वो परफॉर्मेंस देती थी एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर्स कोर्स तीन साल के कोर्स को पूरा करने के बाद she had captured most of the top awards जो top awards थे सबसे ऊपर के awards उच्च awards माने जाते थे वो उसने जीत लिए थे इनाम के तौर पर एंड फॉर ऑल दिस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट वो ये नहीं कहती थी कि मैंने कोई बहादुरी का काम किया था इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर कि अगर तुम मेहनत करते हो और तुम ये जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है कि तुम्हारा टारगेट क्या है यू विल गेट देअर तो तुम डेफिनेटली जो तुम्हारा एम है जो तुम्हारा टारगेट है उसे अचीव कर लेते हो या उसे अचीव कर लोगे एंड शी गो ट्राई टू द टॉप और फाइनली ऐसा करके वो टॉप पर पहुंची द वर्ल्ड्स मोस्ट सोर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स जो मल्टी जो तबला वादक के रूप में सबसे हाइट पर सबसे टॉप पर वो पहुंच गई इसके साथ ही उसने 1000 इंस्ट्रूमेंट्स अलग-अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में भी मास्टरी निपुणता प्राप्त कर ली थी एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल और अब उसका जो शेड्यूल रहता था जो ये टूर्स वगैरह का वो इंटरनेशनल टूर्स में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टूडे रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स रेस्ट ऑफ द फाइव पॉइंट्स वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू